ओह हाँ, बुलेट ट्रेन पर कभी शेव नहीं करना चाहिए, डेंजरस होता है। ओह ठीक है, मैं चलता हूँ, थोड़ी जगह दे दो। हाँ, तुम्हारे जैसे मैं दुबला नहीं हूँ ना। हाँ ठीक है, अंकल फिर तुम दोनों ख्याल रखो। वैसे अपन को एक और बात बोलनी है, ज्यादातर लोग सूटकेस कहते हैं क्योंकि अभी फिलहाल हम एक बुलेट ट्रेन में है और रात भर का सफर है, पर तूने ब्रीफकेस कहा, पर अपन ने ब्रीफकेस बोला ही नहीं। लगता है अपन को डीजल मिल ही गया। जानता ना क्योटो में अपने साथ क्या होने वाला है। हमें इस ट्रेन से उतरना होगा इसी वक्त। अगर तुम्हें लगता है मैं लेमन और ब्रीफकेस के बिना ट्रेन से उतर जाऊंगा तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ओके, तेरा ब्रीफकेस फर्स्ट क्लास लाउंज में पड़ा है, बाहर काउंटर के पीछे कचरे के डिब्बे में, चले गया। और मैं यहाँ से 9:00-11 होकर एक मंदिर ढूंढकर वहाँ बैठकर अपने को सुधारने का प्लान। तुम्हारा प्लान अच्छा है पर तुम समझ नहीं रहे, मुझे एक बलि का बकरा चाहिए। तुझे बलि का बकरा चाहिए? नहीं, मैं समझता हूँ, गंदा है पर धंधा है। मैं थोड़ा सा उलझन में हूँ क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुझे सही सलामत व्हाइट डेथ को सौंपूं या फिर तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके थैले में भर के उसे सौंपूं। बस यही कश्मकश चल रही है मेरे दिमाग में। या क्या तेरे पास कोई और आइडिया हो तो बता। तू जानता है हमारे बीच में एक दीवार है, पर यह बस एक वहम है, एक छलावा समझ ले। और ऐसी दीवारों में अक्सर एक खिड़की होती है, खिड़की को एक मौका समझ ले। नहीं यार, ये एक दरवाजा है, उस खिड़की के अंदर एक दरवाजा है। देखो तुम क्या बोल रहे हो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है कि दरवाजा बंद हो रहा है। अब सिर्फ एक ही सवाल है, तुम में से डीजल कौन है और कौन है डक? क्या डक? हाँ, ये कार्टून शो है। थॉमस द ट्रेन इंजन। गलत जवाब, थॉमस द टैंक इंजन। प्लीज सर, इस आदमी ने मुझे किडनैप किया है और इसने कहा कि वो मेरे पेरेंट्स से फिरौती के पैसे मांगने वाला है। माफ करना, मैं अच्छी एक्टिंग देख के खोसा जाता हूँ, अवार्ड मिल जाएगा। अब उनका भेजा बोलता है कि असली मास्टरमाइंड ये हिलने वाला चिलगोजा है और अपन लोग पढ़ने में माहिर है और अपन को लगता है कि तू बहुत डेंजर है। तो एक काम करते हैं, मतलब तुम दोनों को तो टपका नहीं सकता, फिर अपन को जवाब कैसे मिलेगा? वैसे एक आइडिया है, तुम दोनों को भी जमेगा, क्यों ना हम सब मिलकर एक गेम खेलें। हाँ, जिसको गेम खेलना है अपने दोनों हाथ ऊपर करें। ए शाबाश, पहले से हाथ ऊपर है। अब तुम दोनों आंखें बंद करो और फिर अपन तीन तक गिनेगा। तुम में से जो भी बॉस है वो अपना हाथ ऊपर करेगा और जो बॉस नहीं है दूसरे की ओर इशारा करेगा। अगर साथ में हाथ ऊपर किया या एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाई तो मैं समझ जाऊंगा तुम दोनों झूठ बोल रहे हो और मैं तुम दोनों का भेजा खोल दूंगा। नहीं, 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 नहीं। तुमने कहा था दोनों को गोली नहीं मारोगे, वरना जवाब कैसे मिलेगा? बात तो तेरी सही है, लोचा हो गया। कभी कभार पहले गोली चलाने से जवाब अपने आप मिल जाता है। एक, या तुम्हारी कॉल करने के बाद मैंने कॉल नहीं उठाया। दो, वतारों को मार दो। तीन, सपना तो नहीं। तेरा टिकट तो कट गया। मेरे बैग में एक वायर है और मुझे लगता है कि उससे शायद मैं दरवाजा बाहर से लॉक कर सकती हूँ। मैं बहुत डर गई थी, उसने कहा अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी या अगर मैंने चालाकी दिखाई या मैं चिल्लाई तो वो मेरा ऐसा हाल करेगा, मैं सोच भी नहीं सकती। फिर तूने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? अच्छा, उसने तुझे किडनैप किया और फिर उसने अपनी गन तेरे को दे दी। हाँ, मुंह बंद। देखो मुझे, प्लीज
मुझे गन चलानी आती भी नहीं है, मेरा यकीन करो। अबे तू कितनी बड़ी नौटंकी बाज है यार, तू बहुत सही है। तूने कुछ कोर्स वोर्स किया है क्या? मतलब तू बिल्कुल भी नहीं डरी और तू रो रही है, आंसू निकल रहे, क्या धांसू एक्टिंग कर रही है यार तू? तू ही चढ़ी सर, तेरे को तो मानना ही पड़ेगा। मैं बस प्लीज, मैं बस एक मासूम लड़की हूं। अबे इतनी कड़क एक्टिंग कैसे कर रही है? अबे कोई खेल कर दो यार इसे, प्लीज। तू तुझे मैं